लोटपोट में, लोटपोट में लोटपोट में कैसे है? बराबर है, कभी निपट जाए कभी निपट जाए। अच्छा कौन कौन है? कौन कौन? हाँ चुट। हाँ कौन कौन है? बर्तोर अभय सिंह, और तो कोई कौन जाट पालती आलो। अच्छा। अभय सिंह टक्कर है के बिरो किचो जीत दिया। बिरो कौन लग गया? बिरो कौन लग गया? नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो एलनाबाद विधानसभा के गांव बरासरी में पहुंचे हैं, यहां की पब्लिक क्या चाहती है, नेता लोग हैं जो वो इस गांव की ओर या फिर लोगों की ओर कितना का ध्यान दे रहे हैं, नेता का यहां पर कितना का रुझान है, बात करें सभी पार्टियों के बारे में पूछेंगे। आइए जानते हैं बरासरी पब्लिक का मूड। हाँ जी अंकल जी, अगर मैं इस गाँव की बात करूँ तो क्या माहौल? माहौल यहाँ पर बरसिंह का माहौल चल रहा है जी। बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है, बरसिंह बेनीवाल जीत रहे हैं अच्छे वोटों से। अच्छे वोटों से? हाँ जी। और बाकी टक्कर में कौन लग रहा है? टक्कर में अभय सिंह है जी, इन लोग है टक्कर में। हाँ टक्कर में तो है ही, दो आदमी आमने सामने है, जब दूसरे को टक्करी बोलते हैं क्यों, बीजेपी तो कोई फाइट में है नहीं यहाँ पर। अच्छा। इन लोग का ही है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर आप बरसिंह बेनीवाल की कितनी का लीड मानते हैं? यहाँ कम से कम इस गाँव में 500 वोटों की लीड मानते हैं बरसिंह के। हाँ कांग्रेस यहाँ जीतनी चाहिए, जो पहले गढ़ बना हुआ है एक ही परिवार का, वो टूटना चाहिए। गढ़ तो पीछे ही तोड़ दिया था हमने लोकसभा चुनाव में ही। अच्छा। 300 से 10 वोटें कम आई है इनेलो की, और कांग्रेस की 700 आई थी, बीजेपी की 850 आई थी। अब वो बीजेपी का वोट बैंक है वो सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है। हम वो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं 500 वोटों से कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। बरसिंह बेनीवाल के बहुत वोट हैं जी। हाँ 2000 वोट पोल होंगे, 2200 वोट है हमारे गांव के अंदर, और 2000 वोट पोल होंगे इसके अंदर, लगभग हमारे 1200-1300 वोट बरसिंह बेनीवाल के पड़ेंगे। अच्छा। मैं तो अभय सिंह चौटाला को जिता रहा हूँ यहाँ से, गांव से जी। अच्छा। इनके साथ सहमत नहीं है? इनके साथ वैसे सहमत हूँ, भाईचारा है मेरा, मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने विकास गांव में बहुत करवाया जी। 20 साल हो गए जी, क्या करवाया? एक काम पूछ लो, काम पूछ लो। बहुत काम करवाया जी। एक काम तासरी गांव का राजेश सर है जी, यहाँ से लेकर और उसके खेत तक पक्की सड़क बनी है जी। खेत तक बनी है, गांव की कौन बनी? वो सारे गांव। हाँ आगे पूछो, सारे गांव के काम आती है जी। का मेरे गांव का एक काम करवाया जी, हमारे गांव का एक रीजन का लड़का, मैं तो जाट के बैठा हूँ जी, रीजन का लड़का, एक एक्सीडेंट हुआ था अभी आज से लगभग 10 दिन हो गए, उसने उसके लिए अच्छा काम किया जी। किसने, किसके काम लिए? एक मिनट, किसने? रीजन का एक गरीब जो दिहाड़िया परिवार, किसने किया? किसने किया? वो अभय सिंह चौटाला ने किया जी। एलनाबाद का चुनाव, एलनाबाद का चुनाव टक्कर का ही है। टक्कर तो कांग्रेस और इनोलो। और आप ये बता सकते हो भाई किसका पलड़ा थोड़ा बहुत भारी चल रहा है? कांग्रेस का भारी है। कैसे तो टक्कर का हमें पता है, तो हमें इस हल्के के मतदाता हैं, 60 साल अभी वोट गिरता ने, तो टक्कर तो है। और जीतेगा कौन? बरसिंह। शॉर्ट तो क्या लिख के दिया जाता है। आपके अनुसार भी जीत रहा है? हाँ जीत रहा है। तो लीड कितने के मान के? 7-8 हज़ार की। अच्छा, 7-8 हज़ार वोटों से आज के दिन बरसिंह बेनीवाल को आप जिता रहे हो? हाँ जिता रहे जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे, गांव का माहौल? गांव का माहौल तो जी इस बार बरसिंह बेनीवाल की तरफ बना हुआ है, लेकिन आपने एक सवाल किया था कि पिछले 20 सालों से आप इसको जिताते आए हो, तो जो पिछले 20 सालों से जिताने का एक तो कारण ये बन गया कि तिकोना मुकाबला होता था हर बार, तो तिकोना मुकाबले में ये इन लोग बॉडी की तरफ पड़ जाते थे, बाकी दो धड़ों में बंट जाते थे। इस बार टक्कर जो है भरत सिंह के साथ आमने सामने की है, और आमने सामने की टक्कर में भरत सिंह काफ़ी हैवी दिखाई दे रहे हैं, और लोगों को आजकल ये चाहते हैं कि हम आमने सामने बात कर सकें विधायक के साथ, विधायक के साथ हम खड़े हैं उसके, तो उस वजह से लोग भरत सिंह को ज़्यादा चाह रहे हैं इस बार। हाँ सामने खड़े हो गए, जो मर्जी जैसी मर्जी उनको बात अपनी बता सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। और अभय सिंह का ऐसा व्यक्तित्व? अभय सिंह का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, वो धमका भी देते हैं, वो बात भी कह देते हैं अपने।
यानी काम कहने का उनको किसी का दिल नहीं करता। और भरत सिंह एक ऐसा आदमी है जिसको अपनी बात खुल के कह सकते हैं, छोटा बच्चा भी अगर जाता है तो वो बात सुनते हैं उसकी, उसी की बदौलत। और एक अंतिम चुनाव है भरत सिंह का इस बार, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। कायनाबाद गया था, अरे अपने कागदाना गया था, इतनी जनता का ठीक कोई अंदाज नहीं। और भरत सिंह ने भीख मांगी कि मेरे को वोट दे दो, सारी जनता ने कहा कि हम दे देंगे तेरे को, तेरी हार नहीं होने दे, भरत सिंह नहीं आ रहेगा। हाँ खड़े थे, हाँ मैं वहाँ था, मैं वहाँ था। हाँ ये भरत सिंह बहुत वोटों से जीता, ये मेरे को अंदाजा नहीं, अनपढ़ आदमी मैं तफीता नहीं जी, पर जीतेगा भरत सिंह पक्का पक्का। हाँ हमारे गाँव के अंदर वो 1000 वोटों से जीत सकता है, 1100 से जीत गया, इतने वोटों से हमारे गाँव के अंदर जीतेगा। गांव का क्या माहौल है इस बार? गांव का माहौल तो अच्छा, ठीक है माहौल। हाँ अच्छा, पार्टी का ज्यादा रुझान है लोग दल को पर है, लोटपोट में, लोटपोट में है। लोटपोट में कैसे है? बराबर है, कभी निपट जाए कभी निपट जाए। अच्छा कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है? बरतोर, हाँ अभी सिंह, और तो कोई कौन जाट पालती आलो। अच्छा दो ही है क्या? हाँ दो ही है टक्कर है। अच्छा ठीक है, पलट मारे क्या? दिलो मार दिए, दिलो मार दिए, पलट मारे। अच्छा हाँ जी, आप बताइए आपको क्या लगता है? हाँ दोनों पालतियाँ चल रहे हैं, दोनों हाँ हाँ दोनों में टक्कर है। अच्छा हाँ ये दोनों आई टक्कर है आगे भी किशोर जी जी आई के लिए टक्कर है। हाँ दोनों ही टक्कर है, दोनों कौन कौन है? भरत सिंह और अभय सिंह, बस है ये दोनों, अभय सिंह और भरत सिंह। अभय सिंह टक्कर है के बिलो किशोर जीत दिया, मेरे कौन लगा? आज की तारीख में किने जीता? आज की तारीख में तो अभय सिंह जीता है। अभय सिंह जीता है की? हाँ अच्छा, बाकी टक्कर पूरी है? टक्कर पूरी है आज की, आज बात है किसी बात है? हाँ ये अभय सिंह जीते हैं मौका, वो तो आज की के आज की, अरे टक्कर मानो को नहीं, टक्कर तो है ही, फिर बढ़ते ही रहेंगे और की। अच्छा बाकी सारा पीछे, और पीछे है सारा बस। क्या लगता है? लगता क्या है, भरत सिंह जीते है कामों तो जीता दिया आपने? बिल्कुल 200-250 वोटों जीता है पूरी श्योरिटी आपने जिताई? हाँ हाँ जी। अच्छा गामू तो जीता है, टक्कर मानो के? बिल्कुल टक्कर है जी, टक्कर के गामू जीता है, बाकी हल्का को तो के बेरो बटे। ठीक है जी, दिन के कौन ये हां जी, अंकल जी आपको क्या लगता है? गांव से पूछ रहे हो, हल्के से? दोनों से बता, हल्के से तो टक्कर है, और बरासरी गांव से भरत सिंह 200-300 वोटों से जीत रहा है। हल्के से टक्कर है दोनों, नहीं नहीं कोई टक्कर नहीं है, भरत सिंह जीता है, भरत सिंह एक टक्कर तो कौन हो, टक्कर टक्कर की कौन हो, एक तरफा जीता वो। हाँ जी हाँ जी अंकल जी, आप भरत सिंह की है यहाँ तो ज्यादा। अच्छा और एलनाबाद इलाके की बात करें तो इलाका में टक्कर है, देखो जी किसे जीता है। अच्छा, टक्कर किस किस में? कांग्रेस में और इसमें एनएलओ में। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी क्या लगता है कौन जीत रहा है? भरत सिंह जीता है, पूरे एलनाबाद में जीत रहा है, पूरा एलनाबाद में 30,000 वोटों जीता हूँ। अच्छा की? हाँ इतनी शॉर्टी क्या? 30,000 क्या? तो लोग देगा वोट, काम करे दुनिया को। अच्छा, सरकार को नहीं तो 10-20 साल में काम करे है, बाकी और कौन करे? 20 साल जीता है, और ने बिल्लू ने कभी पूछे को बरकर की मत को नहीं बोलने। अच्छा जो बंदा सकत है? हाँ सकत है जी। अच्छा हाँ, बरतो को नहीं? बरतो को नहीं, बरतो सीधे पड़े जमींदार है मान लीजिए। अच्छा, और ही चाहिए रोटा पाल ले, खगड़ पाल ले। अच्छा इसी चाहिए मान तो जी। ठीक है, हमारा पर कोई होना चाहिए जी। ठीक है, गांव में मान लो के एक भरत सिंह ही जीता है, और हल्के अमाई जी मान लो के एक टक्कर से ही जीतेगा। कौन कौन टक्कर? इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस। मानो तो भट्टो ही लगा भैया, तो ही लगा। अरे और क्या लगा, अभी सीट काट जाएगो के? सीट के कौन काट जाएगा, वोट ले। अच्छा अरे पहला तो अभी इतना साल हो गया, इन्हें लोई जीतती आई है, अब की बारी है क्या सीट काट जाएगो? इनका भी आप बात में विचार लगा लगा है के विचार पक्को लगा? ठीक है, अभी देखो वो भी इन्हें लोगो गड अब की बार टूटेगा एलनाबाद में। हाँ टूटेगा। ठीक मुश्किल। हाँ जी
बढ़ते की जीत है हमारे गांव में तो एलनाबाद को मैंने बेरो को नहीं के एलनाबाद के मेरी हम क्या फिरा खेत में काम करा। सही बात है, तेरे गांव में क्या चल रहा है? तो गांव में तो बता दिए नहीं। हाँ, बढ़तो जीता। हाँ, बढ़तो जीता।